हेडिंग डाल देना, बाउंडेडनेस ऑफ सबसेट कैपिटल एस ऑफ रियल नंबर सेट कैपिटल आर। मान लो रियल नंबर का सेट कैपिटल आर दिया गया है, हम इस रियल नंबर के सेट कैपिटल आर का एक सबसेट काटते हैं स्मॉल एस, एस इज द सबसेट ऑफ आर। तो कैपिटल एस के लिए अपर बाउंड बताया जाए, बाउंडेडनेस का मतलब उन नंबर्स की तलाश जो आपके सेट को बाउंड करके रखते हैं कि आपके सेट के मेंबर पर्टिकुलर किसी नंबर से आगे नहीं जा सकते या पर्टिकुलर किसी नंबर से पीछे नहीं जा सकते, तो बाउंड तलाश करते हो। बाउंड तलाश करने का सीधा सा मतलब होता है कि आप उन चीजों को जिनके लिए आप बाउंड तलाश कर रहे हो उनको किसी दो क्वांटिटी के बीच में या किसी क्वांटिटी के बीच में उसको बांधना चाहते हैं या किसी एक सिरे से उसको रोक देना चाहते हैं कि अब आप इस बाउंड्री को पार नहीं कर पाओगे। तो आम बोलचाल की भाषा में बाउंड तलाशने का मतलब होता है कि आप अपनी लिमिट तलाश कर रहे हो कि मेरी लिमिट कहां तक हो सकती है। लिखा गया है अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस, पहले तो हेडिंग है बाउंडेडनेस ऑफ सबसेट कैपिटल एस ऑफ आर, रियल नंबर का एक सबसेट कैपिटल एस है, इसके बाउंडेडनेस यानी इसके बंधे होने की चर्चा की जा रही है कि कब बाउंड होगा कब नहीं होगा या किस टाइप से बाउंड होगा। हेडिंग है अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस, यानी कैपिटल एस के लिए आप अपर बाउंड की तलाश कर रहे हो। तो कोई भी नंबर आपके दिए गए सेट के लिए अपर बाउंड कब बनेगा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कैपिटल एस which is the subset of real number set capital R is said to be, यानी ये set जो कि real number का एक subset है, इस set को आप कहोगे said to be bound या bounded above, आप इसको ऊपर की तरफ से बंद कहोगे या bounded above कहोगे, if यदि there exist a real number capital K, K belong to R लिखा गया, तो कह रहा है अगर there exist a real number capital K such that जो इस तरीके से हो कि आप capital S का कोई भी member उठा लो, ये कैपिटल एस का मेंबर या तो इस नंबर के बराबर पहुंच सकता है और या तो इससे हमेशा छोटा बना रहेगा, यानी आपका चुना गया नंबर सेट के पास ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो इस चुने गए नंबर को पार कर सके। तो जब कोई भी के को पार नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे मेरे सेट के लिए के अपर बाउंड का काम कर रहा है, एक ऐसी लिमिट जिसके बाद सेट के एलिमेंट पार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल समझना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया कुछ ऐसा, कैपिटल एस हमें दे दिया गया, किसी ने दिया 1 2 3 4, बस यहीं पर रुक गए। तो अब गौर करो इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, 1 की बात करो 1 कन्फर्मली लेस देन कितना हो गया 4, 2 की बात करो 2 इज कन्फर्मली लेस देन 4, 3 की बात करें 3 इज कन्फर्मली लेस देन 4, कोई भी 4 को पार नहीं कर रहा। अब 4 की बात करें 4 इज इक्वल टू 4, क्या 4 ने 4 को पार किया, जवाब है नहीं। यानी यहां आपको जो ये 4 नंबर लिखे गए थे इनमें से कोई भी नंबर 4 को पार नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये जो 4 लिखा गया ना, ये 4 मेरे इस दिए गए सेट के लिए अपर बाउंड कहलाता है, वो नंबर जिसने मेरे सेट के एलिमेंट को अपने से ऊपर जाने से मना कर दिया, दैट्स कॉल्ड द अपर बाउंड। फिर अगला समझना, जैसे अब हम कह दिए कि कैपिटल एस आपको दिया जाए, अच्छा अभी इसी पर, अब एक नंबर मेरे दिमाग में 5 आ रहा है, अगर आप 5 को सोचो तो 1 less than 5 2 less than 5 3 less than 5 and 4 is also less than 5, जितने नंबर हैं सब के सब 5 से छोटे हैं, इसका मतलब 5 भी गारंटी दे रहा है कि आपके लिए गए सेट का कोई भी मेंबर मुझको पार नहीं कर पाएगा। तो जब कोई भी 5 को पार नहीं कर पाएगा तो ये 5 भी हमारे सेट के लिए किसका काम करेगा, अपर बाउंड। सोचो पहला कौन था, 4, 4 सेट के लिए अपर बाउंड था और अपर बाउंड जो आया था वो आपके सेट में बिलोंग कर रहा था, फिर आपके दिमाग में 5 आया, 5 आपके सेट के लिए अपर बाउंड की डेफिनेशन पूरी कर रहा है लेकिन वो आपके सेट के पास मौजूद नहीं है, फिर भी अपर बाउंड है। 6 पर सोचते हैं, इस सेट में लिखा गया हर एक नंबर 6 से कम ही बैठेगा, यानी 6 भी अपर बाउंड है, तो जो नंबर सेट के पास हैं उनमें से कोई एक नंबर भी सेट के लिए अपर बाउंड बन जा रहा है और जो सेट के पास नहीं है वो भी सेट के लिए अपर बाउंड बन रहे हैं। तो साफ बात है अपर बाउंड सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों बातें, शर्त सिर्फ एक है, अगर आप किसी नंबर को अपर बाउंड कह रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट के सारे नंबर या तो उस नंबर से छोटे होंगे और या तो उस नंबर के बराबर हो सकते हैं, उसको पार नहीं कर सकते, तब कहा जाता है के इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। फिर एग्जांपल दिखा रहे हैं, चाहो तो एग्जांपल पहले यही लिख लो, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर व्हेन कैपिटल एस इज इक्वल टू, आपको सेट दिया गया है
टू फोर सिक्स और एट, ये सेट दिया गया। तो हियर हियर यहां हम देखते हैं कि आप दो को चुनो, ये जो दो इस कैपिटल एस में लिखा गया है ये इस नंबर आठ से छोटा है, चार आठ से छोटा है, छह आठ से छोटा है और आठ आठ के बराबर है, यानी यहां लिखा गया कोई भी नंबर आठ को पार नहीं कर रहा, तो आठ हमारे दिए गए सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। हियर टू लेस देन आर इक्वल टू एट, लेस देन और इक्वल टू दो में से एक चुना जाएगा, तो ठीक टू इज लेस देन एट, फोर लेस देन आर इक्वल टू एट, सिक्स लेस देन आर इक्वल टू एट एंड एट इज इक्वल टू एट, कोई भी नंबर आठ को पार नहीं कर पाया। दिस इंप्लाइज दैट एट इज एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस, ऑफ कैपिटल एस यानी फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग टू दिस सेट, कोई भी एलिमेंट उठाओ एक्स बोलो चाहे स्मॉल एस बोलो, फॉर एवरी स्मॉल एस बिलोंग टू दिस सेट नो एनी एस कैन क्रॉस द एट, कोई भी आठ को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए आठ आपके सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। फिर सुनो, आल्सो आल्सो टू लेस देन आर इक्वल टू नाइन, थ्री लेस देन आर इक्वल टू सॉरी फोर है, फोर लेस देन आर इक्वल टू नाइन, सिक्स लेस देन आर इक्वल टू नाइन, एट आल्सो लेस देन आर इक्वल टू नाइन। लेस देन आर इक्वल टू से कंफ्यूज ना होना, इनइक्वालिटी दो में से एक बात चुनी जा रही है, या तो छोटा या तो बराबर, बराबर हो नहीं सकता, कंफर्म ही छोटा है, इसका मतलब नाइन इज आल्सो अपर बाउंड, नाइन इज आल्सो अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। ये जो आपने नंबर नौ उठाया ये भी आपके दिए गए सेट कैपिटल एस के लिए अपर बाउंड का काम करता है, ये बात हुई। फिर अगला सोचना, अच्छा ये तो नौ हम इंटीजर उठा लिए, अगर तुम यहाँ 8.1 भी उठा लेते, 2 इज लेस देन 8.1, 4 इज लेस देन 8.1, 6 इज आल्सो लेस देन 8.1, 8 इज आल्सो लेस देन 8.1, इसका मतलब 8.1 भी हमारे दिए गए सेट कैपिटल एस के लिए अपर बाउंड का काम करता है। फिर अगला सुनना, 8.00001 ये कुछ भी हो 8 तो नहीं है लेकिन 8 से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर भी मेरे दिए गए सेट के लिए अपर बाउंड का काम करता है। इसका मतलब तय हो गया किसी सेट के पास एक ही अपर बाउंड हो ये कंपलसरी नहीं है, उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड तक हो सकते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं कि 8 से लेकर के इस पूरी रियल नंबर की लाइन पर, अगर यहां 8 है तो 8 से लेकर के यहां जितने नंबर सजे पड़े हैं ये सारे के सारे नंबर हमारे दिए गए सेट कैपिटल एस के लिए अपर बाउंड का काम करते हैं। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड कि अ नंबर कैपिटल के इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ अ सेट कैपिटल एस इफ देयर एग्जिस्ट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट बी आइदर लेस देन कैपिटल के और इक्वल टू कैपिटल के, या तो वो के से छोटे रहे या तो वो के बराबर रहे, तब ऐसे केस में के अपर बाउंड होगा। रियल लाइफ में इसका एग्जांपल ऐसा समझा जा सकता है, जैसे घर में आप बड़े भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, सारे लोग मौजूद हैं, तो अब आज की कैटेगरी में अगर घर का जो सबसे बड़ा मेंबर है यानी पिताजी, आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते हो, उनकी कही गई बातें आपको माननी पड़ेंगी, दैट्स कॉल्ड द अपर बाउंड। वो परिवार के अपर बाउंड है कि परिवार में ऐसा कोई सदस्य मौजूद नहीं है जो कह सके हम उनसे भी बड़े हैं, आप उनसे छोटे ही रहोगे, इसलिए वो आपके दिए गए सेट यानी परिवार के लिए अपर बाउंड का काम करते हैं। दादाजी जो अभी परिवार का हिस्सा नहीं है, कहीं और रह रहे हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो वो भी अपर बाउंड का काम करेंगे, बशर्ते वो सेट में मौजूद नहीं है, वो अभी सेट के बाहर है, तो अपर बाउंड सेट में हो भी सकते हैं और सेट में नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। ये तो डेफिनेशन थी अपर बाउंड की, ये एग्जाम्पल लिख लेना अपर बाउंड की, केस इंटरवल पे भी दिखा देते हैं, जैसे किसी ने कह दिया दूसरे एग्जाम्पल में यहीं पर लिखना, सेकेंड एग्जाम्पल इफ कैपिटल एस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 2 और ओपन कर दिया 4 पर। अब सोचो इस सेट के पास जितने एलिमेंट हैं, रियल नंबर की लाइन पर बिहेव देखना, यहां 2 और यहां पर 4, दो सेट में मौजूद है, क्लोज्ड लगा है, दो सेट में मौजूद है, दो के बाद यहां जितने नंबर लिखे पड़े हैं इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ये जितने नंबर लिखे पड़े हैं ये सारे के सारे नंबर इस दिए गए सेट में मौजूद है, लेकिन 4 इस सेट में मौजूद नहीं है, इस पर होल्ड कर दिया, 4 सेट के पास मौजूद नहीं है, लेकिन रियल नंबर की लाइन का बिहेव होता है जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़ते हो वैसे वैसे आप इंक्रीज करते जाते हो,
ये, यानी 2 इज कंफर्मली ग्रेटर देन 4। तो यहां जितने लोग बैठे हैं सारे 4 के लेफ्ट में हैं, तो इसमें से हर एक नंबर से भी बड़ा कौन होगा? 4 होगा। तो 4 आपके सेट में मौजूद भले नहीं है, लेकिन सेट का कोई भी एलिमेंट 4 को पार नहीं कर सकता, इसलिए 4 इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। और सुनो, 4 के आगे जितने लोग बैठे हुए हैं सेट के एलिमेंट बस यहीं पर रुक चुके हैं, वो पार नहीं करेंगे। तो यहां मौजूद हर एक नंबर आपके सेट के लिए किसका काम करेगा? अपर बाउंड का काम करेगा। वो अलग बात है, आज की तारीख में 4 अपर बाउंड है लेकिन सेट में मौजूद नहीं है। 4 के बाद इधर जितने लोग हैं ये भी अपर बाउंड हैं लेकिन सेट में मौजूद नहीं है। अच्छा, किसी ने कहा 4 से कम, तो जैसे आप 4 से कम आओगे ना, तो सोचो यहां इस रियल नंबर की लाइन पर यहां आप खड़े हो 4 पर, 4 से कम कोई नंबर आपका अपर बाउंड बन पाएगा कि नहीं, इसको देखना। अगर आप सोचते हो 4 से पहले वाला नंबर यहां का लेते हैं, तो दो नंबर के बीच में कुल इनफाइनाइट नंबर होते हैं और ये सारे के सारे नंबर आपके सेट में मौजूद हैं। तो जिसको आपने अपर बाउंड कहा उससे भी बड़े लोग आपके सेट में मौजूद हैं। इसका मतलब आपके सेट के लिए कोई अगर अपर बाउंड का काम करेगा तो वो 4 करेगा और 4 के बाद मौजूद सारे के सारे नंबर करेंगे, लेकिन 4 से पहले मौजूद कोई भी नंबर आपके सेट का अपर बाउंड नहीं हो पाएगा। यहां लिख देना, हियर 4 एंड एवरी नंबर ग्रेटर देन 4 एंड एवरी नंबर ग्रेटर देन 4 मस्ट बी अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। यहां 4 और 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आपके दिए गए सेट कैपिटल एस के लिए अपर बाउंड का काम करते हैं। नोट कर लो इसे, और इसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। ठीक वैसा ही जैसे अपर बाउंड कहा जाता है ना, आपको ऊपर बढ़ने से रोक दिया गया, ऐसे लोअर बाउंड कहेगा आपको नीचे आने से रोक दिया गया है। अगली हेडिंग होगी लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। अगली हेडिंग है लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। इसमें सुनना, अगर आपको रियल नंबर का कोई सबसेट कैपिटल एस दे दिया गया है, तो आपका ये दिया गया सेट कैपिटल एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, नीचे की तरफ से बंद कहलाएगा इफ, यदि देयर एग्जिस्ट अ नंबर स्मॉल के बिलोंग टू द कैपिटल आर। अपर बाउंड को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किए, लोअर बाउंड को स्मॉल के से। कह रहे हैं अगर आपका सेट लोअर बाउंडेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई रियल नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, a small k, there exist a small k belong to capital R, such that कि आपके सेट में मौजूद हर एलिमेंट या तो इस नंबर से बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा, यानी आप k के नीचे नहीं जा सकते हो। जब आप k के नीचे नहीं जाओगे तो कहा जाएगा आपको नीचे जाने से रोका गया है, that's called the lower bound, और ये नंबर जो आपको रोक रहा है नीचे जाने से ये आपका lower bound कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखना, इसी एग्जाम्पल को उठा रहे हैं, capital S is equal to 1, 2, 3, 4। अगर हम सेट के इस एलिमेंट को देखें तो ये 1 है और 1 1 से छोटा नहीं हो सकता, यानी यहां पर 1 इज इक्वल टू 1। 2 को अगर देखें तो 2 1 से बड़ा है, यानी कंफर्मली 2 इज ग्रेटर देन 1। 1 रोक रहा है 2 को कि आप और नीचे नहीं आ सकते, आप हमसे बड़े हैं। फिर इसी तरीके से 3 इज कंफर्मली ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1। फिर किसने रोका 3 को नीचे आने से? 1 ने रोका। इसी तरह से 4 इज ग्रेटर देन 1, यानी इस सेट के अंदर में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे लोग 1 के साथ एक नेचर रख रहे हैं। कौन सा? कि एवरी स्मॉल s बिलोंग टू कैपिटल s के लिए दीज s आइदर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। हर एक मेंबर या तो 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है, तो ऐसे केस में सेट के एलिमेंट 1 से नीचे वैल्यू नहीं चूज कर सकते। तो जब 1 से नीचे वैल्यू ही नहीं लेंगे तो इसका मतलब तय हो गया आज की तारीख में 1 आपके दिए गए सेट के लिए किसका काम कर रहा है? लोअर बाउंड का काम कर रहा है, नीचे से बंद करने वाला, और यही आपके सेट का लोअर बाउंड कहलाता है। के जैसे जार वगैरह होते हैं, तो जार वगैरह में जो पेदा होता है उनका निचला हिस्सा, वो निचला हिस्सा कहता है कि आप कोई भी सामान रखोगे उसके नीचे कुछ नहीं जाएगा, तो निचला हिस्सा वो लोअर बाउंड कहलाता है। और जार के ऊपर जो ढक्कन होता है, जब आप सामान भर देते हो, ढक्कन टाइट करते हो, तो कोई भी सामान आप ढक्कन के बाहर करके जार नहीं बंद कर सकते। इसका मतलब वो ढक्कन आपके लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है। जार में जितने लोग हैं उनकी हैसियत उस ढक्कन से नीचे और उस पेने से ऊपर है। पेंदा काट करके गिरा दिया गया तो सारे सामान नीचे चले जाएंगे, वो और नीचे जमीन पर गिरेंगे, यानी फिर उनका लोअर बाउंड हटा दिया आपने।
तो इसे अगले एग्जांपल से समझना। जैसे इंटरवल देखना, ओपन इंटरवल टू क्लोज्ड रेडियस फोर तक, गौर करो इस सेट की अगर बात की जाए तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं रियल नंबर की लाइन पर बिहेव देखना, यहां पर मौजूद है दो, यहां पर मौजूद है चार, आपके इंटरवल में दो नहीं है, दो पर व्हाइट बॉल बना दो, ये दो मौजूद नहीं, लेकिन आपके इंटरवल में चार है, इस पर डार्क बॉल बना दो, आपके इंटरवल में दो को छोड़ करके दो के आगे जितने लोग हैं ये सारे लोग आपके इंटरवल में मौजूद हैं, तो इसका मतलब यहां जितने लोग बैठे हैं उन सारे लोगों से भी छोटा कौन है, दो, लेकिन सेट के एलिमेंट दो को पार नहीं करते हैं, तो यही दो आपके सेट के लिए किसका काम करेगा, लोअर बाउंड का काम करेगा, लोअर बाउंड का काम करेगा, और ऐसे में आपका सेट लोअर बाउंडेड कहलाएगा। अभी दोनों अलग अलग चल रहे हैं, अपर बाउंडेड वो सेट जिसके मेंबर एक पर्टिकुलर रियल नंबर के ऊपर नहीं जा सकते, हमेशा उससे कम रहेंगे या बराबर रहेंगे, दैट्स कॉल्ड द अपर बाउंडेड सेट। लोअर बाउंडेड आपके सेट के मेंबर पर्टिकुलर किसी एक नंबर के नीचे नहीं जा सकते, या तो उससे बड़े रहेंगे या तो उसके बराबर रहेंगे, दैट्स कॉल्ड द लोअर बाउंडेड सेट। और जिस नंबर के ऊपर और नीचे ये लोग नहीं जा पा रहे, जिसके ऊपर नहीं जाएगा वो नंबर अपर बाउंड होगा, जिसके नीचे नहीं जाएगा वो नंबर आपका लोअर बाउंड होगा। हर बार आपके सेट के पास लोअर बाउंड अपर बाउंड मौजूद हो ये भी कोई जरूरी नहीं, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, हम इंटीजर का सेट ले रहे हैं, ध्यान देना, माइनस वन नेगेटिव इंटीजर का कलेक्शन, इससे भी छोटा कौन, माइनस टू, माइनस टू से भी छोटा कौन, माइनस थ्री, माइनस थ्री से छोटा, माइनस फोर, इससे भी छोटा, माइनस फाइव, अब तो सो ऑन चलता जा रहा है। अब हमको नहीं पता है, जैसे हमने कहा ना माइनस हंड्रेड सबसे छोटा है, तो तुरंत पता चलता है माइनस हंड्रेड से भी छोटा माइनस एक सौ एक है, माइनस एक सौ एक से भी छोटा माइनस एक सौ दो है, इंटीजर की दुनिया की बात करें, माइनस एक सौ दो से भी छोटा माइनस एक सौ तीन है, और वो सब इसमें मौजूद है, तो इस सेट के एलिमेंट कितना कम होते चले जाएंगे हम उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकते। आपने कहा ना कि माइनस दिस, ये सबसे छोटा है, हम कहेंगे लोग इससे भी छोटा ये होगा और इससे भी छोटा ये, यानी अब आज की कैटेगरी में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये गारंटी दे सके कि हर एक एलिमेंट या तो मुझसे बड़ा होगा और या तो मेरे बराबर होगा, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। माइनस दिस ने कहा कि हम सबसे छोटे हैं, तो तुरंत कहेगा लो दो जीरो आगे और लगा दिए, तुमसे भी छोटे हम हो चुके हैं, तो इसका मतलब ऐसे में गिरते 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 ये कहां तक गिर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसका कोई भी लोअर बाउंड होने वाला नहीं है। लेकिन जरा इसको केचुए की तरह आधे पर से काट दो, जैसे काटा ना अब अपने को पता चल रहा है ये पीछे वाले सेट के बाहर चले गए, तो इस सेट में सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो माइनस फोर होगी। एवरी मेंबर ऑफ द सेट कंफर्मली, एवरी मेंबर ऑफ द सेट कंफर्मली आइदर ग्रेटर देन माइनस फोर और इक्वल टू माइनस फोर, यानी माइनस फोर ने आपको रोक दिया कि अब आप मुझसे नीचे नहीं जा सकते, तो यही माइनस फोर आपके सेट के लिए लोअर बाउंड का काम करेगा, और ये लोअर बाउंड सेट में मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी। सोचो माइनस फोर इसके लिए लोअर बाउंड है तो माइनस फाइव भी इस सेट के लिए लोअर बाउंड होगा, माइनस सिक्स भी इस सेट के लिए लोअर बाउंड होगा, माइनस सेवन भी इस सेट के लिए लोअर बाउंड होगा, लेकिन सेट के मेंबर चार के नीचे नहीं गिर रहे, तो माइनस फोर से छोटे जितने नंबर हैं वो सब इसके लिए लोअर बाउंड का काम तो करेंगे, लेकिन इसका जो पहला लोअर बाउंड आपको नजर आएगा वो माइनस फोर होगा, और ऐसे केस में ये सेट लोअर बाउंडेड कहलाएगा। पुराना वाला इसलिए लोअर बाउंडेड नहीं हुआ क्योंकि उसमें ये सारे लोग शामिल थे और हमको नहीं पता था कि सबसे छोटी वैल्यू कौन होने वाली है, जबकि इस सेट में पता है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन होने वाली है, माइनस फोर, तो माइनस फोर आपके दिए गए सेट के लिए लोअर बाउंड का काम करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल में देखिए, ये बड़ी मैथमेटिकल टर्म है, इसको याद रखना, लोअर बाउंड किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। लोअर बाउंड को डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि वो नंबर आपके सेट के लिए लोअर बाउंड का काम करेगा जो नंबर आपके सेट में मौजूद हर एलिमेंट से छोटा होगा। आपके सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो उसके से भी छोटा हो जाए, तब के आपके लिए लोअर बाउंड का काम करता है। एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल कैपिटल एस इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, बस इतना ही, ठीक। हियर फॉर ऑल स्मॉल एस बिलोंग टू द कैपिटल एस,
कैपिटल एस के पास ये जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सारे के सारे लोग या तो माइनस तीन के बराबर हैं या तो माइनस तीन से बड़े हैं। दिस इंप्लाइज दैट माइनस थ्री इज लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। माइनस थ्री, अभी सिर्फ लोअर बाउंड तलाश करो और कुछ नहीं, अब केवल लोअर बाउंड तलाश करो। माइनस थ्री इज द लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। इसी तरीके से फिर अगले पढ़ाते हैं, अगला एग्जाम्पल देखना इसी में। ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखना। किसी ने कहा कैपिटल एस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। अपने को पता है क्लोज्ड इंटरवल में जो सबसे छोटा पॉइंट है वो कौन है, 1, और बाकी सारे के सारे लोग 1 से बड़े हैं, लेकिन खुद 1 1 के बराबर है। तो यहां पर लिखना हियर फॉर ऑल स्मॉल एस बिलोंग टू द कैपिटल एस। आपके इस सेट के पास जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे लोग या तो 1 के बराबर होंगे और या तो 1 से बड़े होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। 1 आपके दिए गए सेट कैपिटल एस के लिए लोअर बाउंड का काम करता है। आप सुनो, जैसे कोई सेट अपने को दिया गया, मान लो इंटीज एक सेट हम बनाते हैं कैपिटल एस, और कैपिटल एस सेट के अंदर हम कहते हैं कि इसके पास जो लोग होंगे उनकी एक टेंडेंसी है। इसके पास मान लो यस वन होगा, इसके पास या नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, मान लो 1 शामिल है इसमें, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, ये इतने तो शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं ना इसमें 0 शामिल है, इसमें -1 शामिल है, इसमें -2 शामिल है, अब कुछ वन सारे नेगेटिव नंबर इसमें शामिल हो गए। सोचो सारे नेगेटिव शामिल हो गए लेकिन पॉजिटिव की दुनिया में केवल 1 2 3 4 शामिल हुए। तो तय बात है जब आप इधर चलते हो नंबर लाइन पर, तो ये लोग नंबर लाइन पर ही लिखे गए हैं, समझ लो। तो नंबर लाइन पर ऐसे चलते हुए आप बढ़ते जाते हो और इधर चलते हुए आप घटते जाते हो। जब आप देख रहे हो तो -2 से बढ़ करके आप -1 हुए, -1 से भी बड़ा कौन हुआ, 0, 0 से बड़ा हुआ 1, 1 से बड़ा हुआ 2, 2 से बड़ा हुआ 3 और 3 से बड़ा हुआ 4। इसका मतलब इस सेट के पास जितने मेंबर रखे गए हैं उनमें सबसे बड़ा मेंबर कौन है, 4 है। सेट के मेंबर 4 को पार नहीं कर सकते, इसीलिए 4 आपके दिए गए सेट के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। लेकिन जरा देखो लोअर बाउंड की तरफ, 0 दिख रहा है, 0 से भी छोटा नेगेटिव -1 है, -1 से भी छोटा नेगेटिव -2 है, -2 से भी छोटा नेगेटिव -3 है, -3 से भी -4 है, और आपको नहीं पता कि ये लोग कम होते 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 कितनी दूर तक कम होंगे। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर आप नहीं बता सकते हो कि सेट के मेंबर उससे नीचे नहीं गिर रहे हैं। आप कहोगे -10, तो हम कहेंगे अगला -11 इसके पास है, मतलब एक और गिर गया। -11 कहोगे तो -12 आप एक और गिर गए, -2 लाख कहोगे तो हम कहेंगे एक और कम करो -2 लाख 1, आप सेट में और नीचे गिरते चले जा रहे हो। तो इसका मतलब आपको नीचे की तरफ रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो ये सेट लोअर बाउंडेड नहीं होगा, यानी इसके पास अपना कोई लोअर बाउंड मौजूद नहीं है। लेकिन इसको आगे बढ़ने से रोकने वाले मौजूद हैं, ये 4 इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसका अपर बाउंड तो है लेकिन इसका अपने पास लोअर बाउंड नहीं है। तो सिर्फ ऐसे जैसे एक जार है, जार का पेला सही सलामत है लेकिन ढक्कन कहीं खो गया, तो अब ऐसे केस में वो जार नीचे से तो बंद है, लोअर बाउंडेड है, लेकिन ऊपर खुला हुआ है, यानी ऊपर आप सामान एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप सामान चढ़ाते जाओगे, वो अपर बाउंड नहीं हुआ। ढक्कन बंद कर दिया लेकिन नीचे पेंदे को फोड़ दिया, तो अब ऐसे केस में नीचे जो भी सामान लिखेगा ना वो और नीचे गिरता जाएगा, तो आपके पास लोअर बाउंड मौजूद नहीं है लेकिन अपर बाउंड मौजूद है। तो इसी को कहा जाता है एक सेट हो सकता है लोअर बाउंडेड हो सकता है अपर बाउंडेड हो सकता है लोअर अपर दोनों हो जाए, कि मतलब जार सही सलामत है, उसका पेंदा भी मौजूद है, ढक्कन भी मौजूद है, तो वो बाउंडेड है। आप जो भी रखोगे वो ऊपर ढक्कन से लेके पेंदे के बीच में बाउंड रहेगा, दैट सेट कॉल्ड द बाउंडेड सेट। तो कहते हैं अब इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, इस डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो ये हो गया, आप किसी सेट को तब बाउंडेड कह पाओगे जब उसके पास अपना लोअर बाउंड भी मौजूद होगा और अपर बाउंड भी मौजूद होगा। डजंट मैटर ये लोअर और अपर बाउंड सेट में बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों बातें हैं। जैसे इंटरवल देखना,
3, 4 अपने को पता है इस इंटरवल में 3 नहीं है, इस इंटरवल में 4 नहीं है, लेकिन इस इंटरवल के बीच मौजूद लोग 4 को पार नहीं कर सकते, इस इंटरवल के बीच मौजूद लोग 3 के नीचे भी नहीं आ सकते। इसमें जो भी होगा ना, एवरी एक्स बिलोंग टू दिस इंटरवल कंफर्मली ग्रेटर देन 3 एंड कंफर्मली लेस देन 4। बंद गए ना, ये 4 को पार कर सकते हैं ना ये 3 के नीचे आ सकते हैं, तो इनके लिए लोअर बाउंड का काम 3 कर रहा है और अपर बाउंड का काम 4 कर रहा है, तो ये सेट परफेक्टली बाउंडेड है। अब ऐसे में इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर हम इसी पे सोचें, ये रहा 0, 1, 2, 3 और यहां पर सारे नेगेटिव बैठा दिया -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, तो ये सेट अपर बाउंडेड तो है, कोई भी 3 को पार नहीं कर सकता, अपर बाउंड इसके लिए कौन होगा 3, लेकिन ये गिरते जा रहे हैं और आपको नहीं पता ये कितना नेगेटिव रख लेगा, तो इसका मतलब ये लोअर बाउंडेड नहीं है। अब सोचो आज की तारीख में इसके पास अपना अपर बाउंड मौजूद है, अंदर में ही मौजूद है, लेकिन अपना लोअर बाउंड मौजूद नहीं है। जरा इस सेट पे आओ 2, 4 पे, 2, 4 का अपर बाउंड कौन है 4, लेकिन अच्छी बात है ये 4 इस सेट के पास मौजूद नहीं है, इसका मतलब अपर बाउंड का एग्जिस्ट करना और अपर बाउंड का सेट के पास होना ये दो अलग बातें हैं। जिस दिन सेट अपना अपर बाउंड अपने अंदर में रख लेगा उस दिन ठीक है, वो अपर बाउंड सेट का है, सेट से बाहर नहीं गया, लेकिन अगर सेट ने अपना अपर बाउंड नहीं रखा, जैसे पिताजी कहीं बाहर चले गए घूमने टहलने के लिए, कहीं किसी काम से चले गए, तो आपका बाउंड मौजूद है, आप ये नहीं कर सकते कि हम पूरे घर को आग लगा देंगे, क्योंकि अभी भी आपका बाउंड मौजूद है, आप इतना ज्यादा नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आता है कि सेट के पास अपर बाउंड का होना और सेट के अंदर होना ये दो अलग बातें हैं। सेट के पास अपर बाउंड है वो सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और सेट के अंदर में ही अपर बाउंड मौजूद है कोई दिक्कत नहीं, तलाश तो अपर बाउंड की ही थी, आज की तारीख में सेट का ही मेंबर उसके लिए अपर बाउंड का काम कर गया। चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं या पहले बाउंडेड बता देते हैं। आप उस सेट को बाउंडेड कहोगे जिस सेट के पास अप लोअर और अपर दोनों बाउंड मौजूद होगा, जैसे ये सेट, इस सेट का लोअर बाउंड 2 है, इस सेट का अपर बाउंड 4 है, तो ये जो सेट है ना ये बाउंडेड कहा जाएगा, दैट्स कॉल्ड द बाउंडेड सेट। लिखना लाइन चेंज करके, अ सेट इज सेट टू बी बाउंडेड, अ सेट is said to be bounded, a set is said to be bounded, comma करके if, अभी example उठाएंगे तो ज्यादा clear होगा, if it is bounded below, if it is bounded below as well as bounded above, as well as bounded above, आपका दिया गया सेट बाउंडेड कहलाएगा, बंधा हुआ सेट कहलाएगा, इफ यदि इट इज बाउंडेड बिलो, ये बिलो भी बाउंड हो, मतलब एक नंबर मौजूद हो कि सेट के मेंबर इसके नीचे ना जा पाए, as well as ठीक उसी तरह से जैसे bounded above हो, मतलब दो नंबर मौजूद हो, सेट के एलिमेंट ना तो इस नंबर के नीचे जा सकते हैं ना तो इस नंबर के ऊपर जा सकते हैं, तो आपका ये सेट कैसा होगा, bounded होगा। जैसे एक बॉल उठाओ और बॉल उठा करके कमरे में पटक दो, तो obvious सी बात है आपने खूब तेजी से पटका, वो फर्श से टकराएगी, फर्श फोड़ करके निकलने वाली नहीं, तो फर्श उसका लोअर बाउंड है, ऊपर जंप करके छत से टकराएगी, छत के ऊपर निकलने वाली नहीं, तो छत उसका अपर बाउंड मौजूद है, उसका लोअर बाउंड मौजूद है, ऐसे केस में वो पूरा का पूरा कैसा होता, बाउंडेड कहलाएगा। लिख लेना, a set is said to be bounded if it is bounded below as well as bounded above। रिमार्क में लिखना, इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट लोअर एंड अपर बाउंड, लोअर एंड अपर बाउंड, that lower and upper bound of a set, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी set का जो lower और upper bound होता है are the member of the set, वो set के member हों, are the member of the set, ये कतई जरूरी नहीं है
कि लोअर और अपर बाउंड सेट में मौजूद हैं या नहीं है। वो सेट में हो भी सकते हैं और वो सेट में नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें। जैसे जिस वक्त एक क्लास चल रही होती है और एक टीचर पढ़ा रहा होता है, उस वक्त उस क्लास का अपर बाउंड वो टीचर है। कोई लड़का ये नहीं कह सकता सर आप नीचे बैठ के अब हम पढ़ाने वाले हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टीचर उस क्लास का अपर बाउंड है, लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी फोन कॉल पे बात करने के लिए वो सेट के बाहर चला गया, तब पर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी जगह कोई और ले लेगा। आज भी वो अपर बाउंड बना है, बशर्ते वो सेट के कैसा है, बाहर है। तो इसका मतलब जो आपके सेट का अपर और लोअर बाउंड होता है, ये दोनों सेट में हो भी सकते हैं और सेट में नहीं भी हो सकते हैं। कोई ये कहे कि अपर बाउंड हमेशा सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा, ये बातें गलत है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात देखना, रिमार्क नंबर टू, ये पहला रिमार्क था। अगला रिमार्क है, द नल सेट फाई जो आपका इम्पटी सेट होता है, वो इम्पटी सेट बाउंडेड होता है, बट इट इज नाइदर पजेसेस लोअर नॉर अपर बाउंड। लेकिन इम्पटी सेट के पास ना तो अपना लोअर बाउंड होता है, ना उसके पास लोअर, ना उसके पास अपर बाउंड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फाई के साथ नेचर है कि फाई एक ऐसा सेट है जो बाउंडेड तो है, लेकिन ना तो आप इसका अपर बाउंड बोल सकते हो, ना आप इसका लोअर बाउंड बोल सकते हो। अगली हेडिंग डाल देगा, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम एंड इन्फीमम, यही सुप्रीमम और इन्फीमम जो होता है, सुप्रीमम इन्फीमम, इसको बताने के बाद हम इसके जम करके खूब एग्जांपल करने वाले हैं, जिससे फिर क्लियर हो जाए कि अपर बाउंड लोअर बाउंड कौन होते हैं, सेट में होंगे नहीं होंगे, और उन अपर और लोअर की भीड़ में सुप्रीमम और इन्फीमम कौन कौन होगा। सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम देख दो हेडिंग है। सुप्रीमम एंड इन्फीमम हेडिंग है। सबसे पहले हम ये डिफाइन करने चल रहे हैं सुप्रीमम क्या होता है। सुनो, जैसे अभी भी कहा गया सेट हो गया 1 2 3 4, बस इतना है। तो 4 भी अपर बाउंड है, 5 भी अपर बाउंड है, 6 भी अपर बाउंड है, 7 अपर बाउंड है, 8 अपर बाउंड है, आगे जितने नंबर आ रहे हैं सब उस दिए गए सेट के अपर बाउंड है, क्योंकि सेट का कोई भी मेंबर इन नंबर्स को पार नहीं कर सकता है। लेकिन सोचो कितने अपर बाउंड है, इनफाइनाइट अपर बाउंड है। इन सारे अपर बाउंड के बीच में जो सबसे छोटा होगा उसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा मेंबर लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, लेकिन सेट के मेंबर से तो बड़ा है, तो उसको खुश करने के लिए सेट के मेंबर से बड़े हो ऐसा, या तो कहो तुम यहां जितने अपर बाउंड नजर आ रहे हैं तुम उसमें सबसे छोटे अपर बाउंड हो, यह बेइज्जती सा फील होगा उसको। तब आप कहोगे ना उसको खुश करने के लिए कि सेट के जितने मेंबर हैं तुम उन सब में सबसे बड़े हो, तुम सेट के सारे मेंबर से बड़े हो, यानी तुम ही सुप्रीमम हो। तो उसको सुप्रीम अथॉरिटी तो दे दी, लेकिन वास्तविकता है सारे अपर बाउंड की भीड़ में वो सबसे छोटा नजर आ रहा था। डेफिनेशन सुनना, इफ कैपिटल के K1, K2, K3, K4, so on, all are the upper bound of a set capital A. अगर ये जितने नंबर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर किसी दिए गए सेट कैपिटल S के लिए अपर बाउंड का काम कर रहे हैं, और इस तरीके से हैं कि K या तो K1 से छोटा होगा या तो बराबर, K less than or equal to K1, K1 या तो K2 से छोटा होगा या तो बराबर, इसी तरीके से K3 या तो K2 से बड़ा होगा या तो बराबर, यानी K less than or equal to K1, less than or equal to K2, less than or equal to K3, so on, K3, so on, then इन पूरी के पूरे अपर बाउंड की भीड़ में जो सबसे छोटा मेंबर होगा, लीस्ट मेंबर, दैट इज कैपिटल K, ये इज कॉल्ड द, ये कहा जाता है लीस्ट अपर बाउंड। सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा, LUB डॉट डॉट करके लिख देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लीस्ट अपर बाउंड का, और अथवा सुप्रीमम ऑफ कैपिटल S, और या तो यही सेट कैपिटल S के लिए, चाहे आप इसको सुप्रीमा बोलो चाहे आप इसको लीस्ट अपर बाउंड बोलो। एग्जांपल से समझना, जैसे एग्जांपल लगाया, एग्जांपल कैपिटल S सेट हमको दिया गया, कैपिटल S इज इक्वल टू, अब हम सिंपल सिंपल सेट ले रहे हैं, जैसे न्यूमेरिकल उठाएंगे तो न्यूमेरिकल में अच्छे अच्छे सेट इसके नजर आएंगे, 1 2 3 4। आप गौर करो इस सेट के लिए अपर बाउंड की भीड़ तलाश करो, अपर बाउंड ऑफ कैपिटल S, वास्तविकता में अपर बाउंड इसके बहुत सारे हैं, उसमें फ्रैक्शन वाले 4 point something वाला भी है, हम सिर्फ अभी इंटीजर इंटीजर की भीड़ में खोज रहे हैं। तो सोचो इसके लिए अपर बाउंड की भीड़ कितनी होगी, इसके लिए अपर बाउंड ऑफ कैपिटल S 4 भी इसका अपर बाउंड होगा, 5 भी इसका अपर बाउंड होगा, 6 भी इसका अपर बाउंड होगा, अप टू सो ऑन, सारे इसके अपर बाउंड होंगे।
लेकिन सोचो इस पूरे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन होगा? 4। तो इसीलिए इस 4 को कहते हैं, 4 इज नोन एज द लीस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा, लेकिन सेट के मेंबर में तो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब 4 को सेट के लिए और सुप्रीमम कह सकते हैं, सुप्रीमम। ये रहा, अच्छा इससे कंफ्यूज ना होना, सिर्फ इंटीजर इंटीजर लिए हैं, वास्तविकता में इसको सही सलामत ये लिखा जाता है, इनफैक्ट, वास्तविकता में इनफैक्ट एवरी नंबर फ्रॉम 4 to इंफिनिटी, ठीक, इज एन अपर बाउंड, इज एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस। 4 से बड़े जितने भी नंबर हो सकते हैं रियल लाइन, रियल नंबर की लाइन पर, वो सब के सब आपके दिए गए सेट कैपिटल एस के लिए अपर बाउंड का काम करते हैं, एंड 4 इज लीस्ट ऑफ देम, 4 इज लीस्ट अमंग देम। और जो आपका ये 4 है, ये 4 इन सारे के सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा है, सो इसलिए 4 इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा। लेकिन खुश करने के लिए कि ये छोटा नहीं है, तुम सेट के लिए किसका काम करोगे? सुप्रीमा का काम करोगे या सुप्रीमम का काम करोगे, ये लिख देना, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। फिर तुरंत हम इसका अगला एग्जाम्पल यहीं पर ही नजर आता है, जैसे किसी ने कहा सेट कैपिटल एस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 2 to 8, ऐसा किसी ने कहा, तो अब पता है कि सेट के मेंबर 8 से छोटे मौजूद हैं, सेट का कोई भी मेंबर 8 को पार नहीं कर पाए, और 8 इस सेट में मौजूद भी नहीं है, यानी सुप्रीमा तो है लेकिन सेट के पास मौजूद नहीं है, आज की तारीख में सुप्रीमा सेट के बाहर है क्योंकि यहां ओपन लगा हुआ है। तो ऐसे केस में एवरी नंबर, ध्यान से देखना, एवरी नंबर इन क्लोज्ड इंटरवल 8 टू इंफिनिटी ओपन, ये 8 और 8 से बड़ा जितना आप सोच सकते हो इस इंटरवल में बैठा हुआ एवरी नंबर, हर एक नंबर, एवरी नंबर इन दिस इंटरवल मस्ट बी, हर हाल में होगा, मस्ट बी एन अपर बाउंड ऑफ कैपिटल एस, ठीक, बट 8 इज लीस्ट अमंग देम, 8 इज लीस्ट अमंग देम, लेकिन 8 उन सभी में सबसे छोटा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 8 इज लीस्ट अपर बाउंड, जितने अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा कौन होगा? 8 होगा, तो 8 को हम लोग कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड, और अथवा इसी को कहते हैं सुप्रीमम, इसको बोलते हैं सुप्रीमम, लिख लेना। ये हो गए अपर बाउंड के एग्जांपल या लीस्ट अपर बाउंड के एग्जांपल। अगला सिमिलरली आप इन्फिमम की बात करने चाहते हैं, सिमिलरली इफ स्मॉल के, स्मॉल के वन, स्मॉल के टू, स्मॉल के थ्री, सो ऑन, ऐसे ही और सारे नंबर जो भी आ सकते हैं, आल आर, ये सारे के सारे नंबर, आल आर द लोअर बाउंड्स ऑफ कैपिटल एस, ये सभी के सभी कैपिटल एस के लोअर बाउंड है, यानी कैपिटल एस का मेंबर इन लोगों से नीचे नहीं जा सकता है, रोक लगी है, एवरी मेंबर मस्ट बी लेस देन, एवरी मेंबर ये वाले K1, K2, K3, एवरी मेंबर मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल एस, जहां पर स्मॉल एस मेंबर किसका है? कैपिटल एस का मेंबर है। तो अगर ये सारे के सारे नंबर किसी दिए गए सेट कैपिटल एस के लिए लोअर बाउंड का काम कर रहे हैं, और किस तरीके से है, सच दैट कि k ग्रेटर देन आर इक्वल टू k1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू k2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू k3, अप टू सो ऑन, तो सोचो यहां जितने नंबर लिखे गए हैं ये सारे के सारे नंबर लोअर बाउंड हैं, लेकिन उस लोअर बाउंड की भीड़ में भी ये लोग घटते जा रहे हैं, तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? k। तो सारे लोअर बाउंड की भीड़ में जो सबसे बड़ा होगा इसको कहेंगे यू आर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आप जितने लोअर बाउंड है उनमें आप सबसे बड़े हो। लेकिन ये सबसे बड़ी वाली बात सुन करके इनका दिमाग न चढ़े, इसलिए कह दिया जाता है कि आप कैपिटल यस में सबसे छोटे हो, यानी
आप वो मेंबर हो जो कैपिटल एस के हर मेंबर से छोटा ही बैठ सकता है या बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहला काम ये करो, सारे के सारे लोअर बाउंड इकट्ठे कर लो, उन सारे लोअर बाउंड की भीड़ में से आप मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला नंबर चूज करो, दैट्स कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या उसी का दूसरा नाम होता है इन्फिमम। अपर बाउंड की भीड़ में से सबसे छोटा सेलेक्ट होता है। कोई दिया गया सेट कैपिटल एस है, ये सेट कैपिटल एस, तो इसमें हर वो नंबर सेलेक्ट करो जो आठ के हर एक मेंबर से बड़ा बैठ रहा है, और उस बड़े की भीड़ से यो आकर के सबसे छोटा वाला सेलेक्ट करो। लोअर बाउंड की भीड़ में से सारे लोअर बाउंड तलाश कर लो और यो आकर के सबसे बड़ा लोअर बाउंड पकड़ो। जैसे यहां सबसे बड़ा लोअर बाउंड दो होगा, क्योंकि गौर करो दो से आठ में एक भी लोअर बाउंड है, कोई भी मेंबर एक के नीचे नहीं जा सकता, ठीक। जीरो भी लोअर बाउंड है, उसके बाद माइनस वन भी लोअर बाउंड है, माइनस टू भी लोअर बाउंड है, ये सभी लोग इसके लिए लोअर बाउंड है, क्योंकि सेट का हर मेंबर इन दिए गए नंबर से बड़ा ही बैठेगा, दो ही लोअर बाउंड है। लेकिन इन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है, दो, तो दो को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी और इन्फिमम ऑफ कैपिटल एस लिखा गया है। सिमिलरली इसी प्रकार If small k, k1, k2, k3, so on, all are the lower bound of capital S, के सभी के सभी capital S के lower bound हैं, such that कि k greater than or equal to k1, k1 greater than or equal to k2, k2 greater than or equal to k3, then greatest member, तब इनमें से जो सबसे बड़ा member होगा, यानी कौन? ये k, greatest member among all these, that is small k, is called the greatest lower bound or the infimum of set capital S. एग्जाम्पल के तुरंत देखना, एग्जाम्पल सेट ले रहे हैं, कैपिटल एस इज इक्वल टू दो चार छ आठ, बस इतना ही लिया। तो अब सोचो इसके लिए लोअर बाउंड्स की भीड़ तलाशो, लोअर बाउंड्स ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू, लोअर बाउंड का मतलब सेट के मेंबर उस मेंबर से नीचे ना जा पाए, तो सेट का कोई भी मेंबर दो को पार नहीं कर सकता, खुद दो दो को पार नहीं कर सकता, इसका मतलब सेट के लिए लोअर बाउंड कौन है, दो, तो दो से भी छोटा एक, कोई भी मेंबर एक के नीचे भी नहीं आ सकता। ये रियल नंबर की लाइन है, ये सेट का पहला मेंबर दो, ये सेट का अगला मेंबर चार, ये छह और ये आठ। अब चार लोअर बाउंड नहीं बन सकता, क्योंकि सेट के पास दो मौजूद है जो चार से भी छोटा है, यानी दो ने चार को पार कर लिया तो चार लोअर बाउंड नहीं होगा। लेकिन आप सुना, दो के इधर तुम चाहे जो भी नंबर ले लो, सेट के मेंबर हमेशा राइट साइड रहेंगे, ये इसको पार करने वाले नहीं है, तो दो लोअर बाउंड है, फिर वन भी लोअर बाउंड है, जीरो भी लोअर बाउंड है, माइनस वन भी लोअर बाउंड है, माइनस टू भी लोअर बाउंड है, घटते चले जाओ, लेकिन इन सारे लोअर बाउंड में जो लोअर बाउंड सबसे बड़ा है वो दो है, तो दो को आप कहोगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या आपके सेट के लिए काम करेगा इन्फिमा का, इन्फिमा है टू वन, अगला लोअर बाउंड कौन, जीरो, अगला लोअर बाउंड इंटीजर, इंटीजर पकड़ रहे हैं माइनस वन, अगला लोअर बाउंड माइनस टू, अप टू सो ऑन, लेकिन सारे लोअर बाउंड में ये कैसा ग्रेटेस्ट, सो लिख देना लास्ट लाइन में, अमंग ऑल लोअर बाउंड्स टू इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज कॉल्ड द इन्फिमम ऑफ कैपिटल एस। ये हुआ अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात। लगे यहां सिंगलटन सेट की चर्चा कर लेते हैं, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके पास केवल और केवल एक मेंबर हो, ये रहा दो, सिर्फ दो लिखा, तो इसका मतलब सेट के मेंबर दो को पार नहीं कर सकते, दो आपके लिए कौन, अपर बाउंड, सेट के मेंबर दो के नीचे भी नहीं गिर सकते, इसका मतलब आपके लिए लोअर बाउंड भी कौन हो गया, दो हो गया। तो दो से बड़ा हर नंबर कैसा हो गया, अपर बाउंड हो गया, दो से छोटा हर नंबर कैसा हो गया, लोअर बाउंड हो गया। लेकिन इस सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा कौन, दो, इस सारे अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा कौन, दो, इस सारे लोअर बाउंड की भीड़ में सबसे बड़ा कौन, दो, तो इसका मतलब आज की तारीख में यही सुप्रीमा है और यही इन्फिमा है। तो यानी सिंगलटन सेट के किस्से में सुप्रीमम और इन्फिमम कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, जो आपका सुप्रीमम होगा वही आपका इन्फिमम होगा। रिमार्क में लिख देना, इन द केस ऑफ सिंगलटन सेट, रिमार्क में लिखना, या सुप्रीमम एंड इन्फिमम कोइंसाइड, सीधे सीधे रिमार्क सुप्रीमम एंड इन्फिमम
सुप्रीमम एंड इन्फिमम को इनसाइड ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं, को इनसाइड सुप्रीमम एंड इन्फिमम, सही है, को इनसाइड इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट की दुनिया में सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं इन द सिंगलटन, सिंगलटन सेट। यानी अगर आपको सिंगलटन ट्री दिया गया है तो जो उसका सुप्रीमा होगा वही उसका इन्फिमा होगा, उसमें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुप्रीमा और इन्फिमा की पहले लिख लो बातें। न्यूमेरिकल नोट करना, अब पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल करा दें उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं और टॉपिक। आइडेंटिफाई, पहचानिए विच वन इज बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। आपको ये बताने कि जो चार सेट दिए गए हैं, इस सेट की संख्या को अभी हम और बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल ये चार है इस लेक्चर में। आइडेंटिफाई विच वन इज बाउंडेड बिलो, इनमें से कौन सा सेट होगा जो बाउंडेड बिलो होगा, यानी उसके मेंबर किसके, सेट के मेंबर पर्टिकुलर एक नंबर से नीचे नहीं जा सकते यानी उससे छोटे नहीं हो सकते, और कौन सा बाउंडेड अबव होगा यानी सेट के मेंबर पर्टिकुलर एक नंबर से बड़े भी नहीं हो सकते। तो आपको तलाश करना है उस नंबर्स की कि सेट के मेंबर उन नंबर्स के नीचे नहीं जा सकते और किसी नंबर्स के ऊपर नहीं जा सकते, यानी आपको लॉग तलाश करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम लॉग कितना होगा और होगा भी या नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड द सर्चिंग ऑफ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो नंबर्स। चलो वन बाई वन इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला वाला सेट उठाना S1, और S1 के लिए वर्डिंग देखना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहला ले रहे हैं S1। S1 हमको दिया गया है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, अप टू सो ऑन। अगर गौर करो तो जैसे जैसे आप मोर नेगेटिव होते जाते हो आप और छोटे होते जाते हो, माइनस वन से भी छोटा छोटा माइनस थ्री होता है, माइनस थ्री से भी छोटा माइनस फोर होता है। तो ये चलते जा रहे हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। लिखा कैसे जाएगा, यहां हमको पता है माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, ध्यान से सुनना, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक, माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस टू, पलट करके लिखें तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू इज कंफर्मली लेस देन माइनस वन, माइनस थ्री इज आल्सो लेस देन माइनस वन, माइनस फोर इज आल्सो लेस देन माइनस वन, माइनस फाइव इज आल्सो लेस देन माइनस वन, ऑनवर्ड चलते जाओ ऑनवर्ड। सोचो सेट के मेंबर ये हैं, सेट के मेंबर चाहे जो भी आ जाए वो कोई भी माइनस वन को पार नहीं कर पा रहे, एक माइनस वन की हैसियत थी भी तो वो बस माइनस वन के बराबर हो पाया, इसको पार नहीं कर पाया। तो सेट के सारे मेंबर माइनस वन के या तो बराबर हैं या तो छोटे हैं, तो माइनस वन आपके सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है कि वो आपके सेट के मेंबर को अपने से ऊपर जाने नहीं दे रहा। देयरफॉर दिस सेट हैज द अपर बाउंड दैट्स द माइनस वन। लिखा कैसे जाएगा वो सुनना, एक तो इस समझ के लिए इस तरीके से लिख सकते हो जैसा लिखे थे, और मैथमेटिकल टर्म में जब इसको लिखना होगा एग्जाम वगैरह में तब आप लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे। हियर वी सी दैट, सिंपली हियर स्मॉल एक्स इज आइदर लेस देन और इक्वल टू माइनस वन फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द सेट कैपिटल एस वन। यस वन में जितने भी मेंबर हैं ये कोई भी माइनस वन को पार नहीं कर रहे, ये या तो माइनस वन से छोटे हैं और या तो माइनस वन के बराबर हैं, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एस वन इज आपका दिया गया सेट इज बाउंडेड अबव, इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव विद अपर बाउंड, विद अपर बाउंड माइनस वन, विद अपर बाउंड माइनस वन, और आपके सेट के लिए माइनस वन अपर बाउंड का काम कर रहा है, ठीक। ये हो गया। लोअर बाउंड की अगर बात करें ना तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो लोअर बाउंड बनने को तैयार हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखना, अगर हमने गलती से कह दिया कि लो माइनस एन इस दिए गए सेट का लोअर बाउंड है, इसका मतलब सेट में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो माइनस एन से छोटा हो सके। आप उल्टा लिखने हैं,
यानी इफ माइनस एन इज लोअर बाउंड, अगर माइनस एन लोअर बाउंड है तो तय बात है एवरी मेंबर एक्स क्लियरली ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एन। लेकिन हमको पता है कि सेट में अगर माइनस एन है तो माइनस एन प्लस वन भी सेट में होगा जो कि और नेगेटिव होगा। अगर सेट में माइनस दस है तो इससे भी ज्यादा नेगेटिव सेट में कौन होगा, माइनस इलेवन, एक ऐड करके इससे भी ज्यादा नेगेटिव कौन होगा, माइनस ट्वेल्व, इससे भी ज्यादा नेगेटिव कौन होगा, माइनस थर्टीन। तो अगर माइनस एन है तो इससे भी ज्यादा नेगेटिव माइनस एन प्लस वन होगा, और अगर इसको मोर नेगेटिव मान लिए सबसे छोटा एलिमेंट तो इससे भी मोर नेगेटिव माइनस एन प्लस टू होगा। यानी आपको नहीं पता सेट के मेंबर गिरते गिरते कहां पर रुकेंगे, वास्तविकता में आप इसका लोअर बाउंड नहीं पता कर सकते हो, तब कहा जाएगा इस सेट के पास कोई भी लोअर बाउंड नहीं मौजूद है। ठीक, लिखना इस बात को मैथमेटिकल टर्म में लिखना, इफ वी टेक एनी रियल नंबर, इफ वी टेक एनी रियल नंबर If we take any real number, n dash कर देते हैं, n dash, however small, चाहे जितना भी छोटा आप उसको ले लो, however small, there exist, यहां हमेशा मौजूद होगा, there exist a natural number. There exist a natural number. यहां पर एक प्राकृतिक संख्या ऐसी जरूर मौजूद होगी, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर स्मॉल एन सच दैट, यहां एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर होगा जिस पर माइनस करते ही आप एन डैश से भी छोटे हो जाओगे, सच दैट माइनस एन इज लेस देन एन डैश। जिनको ये बातें ना समझ में आई हो वो समझें। सुनो, आपने कहा इस सेट में मोर नेगेटिव माइनस 200 है, तो निश्चित तौर पर आपके पास एक प्राकृतिक संख्या 201 नेचुरल नंबर है जिस पर माइनस बैठाते ही माइनस 201 कंफर्मली लेस देन माइनस 200 हो गया। फिर समझना, अगर आपने कहा कि लो माइनस 1000 इस सेट में सबसे छोटा नंबर होगा, इससे छोटा और कोई हो नहीं सकता, मतलब माइनस 1000 रोक रहा है, तब आप तुरंत कहोगे हमारे पास एक नंबर होता है 1001, दैट्स अ नेचुरल नंबर, और इसके आगे माइनस बैठाते ही कंफर्मली माइनस 1001 लेस देन माइनस 1000, और ये आपके सेट के पास मौजूद होगा। तो इसी को लिखा गया है इफ वी टेक एनी रियल नंबर एन डैश हाउएवर स्मॉल, आप इसको कितना भी स्मॉल ले लो एन डैश को, हमेशा आपके पास एक नेचुरल नंबर एन ऐसा जरूर होगा कि जिस पर माइनस बैठाते आप एन डैश से भी छोटे हो जाओगे। देखो एन डैश इज इक्वल टू माइनस 1000, तो हमारे पास नेचुरल की दुनिया में 1001 है जिस पर माइनस बैठाते एन डैश से छोटे हो गए। किसी ने कहा एन डैश बराबर माइनस 10000, तो हमारे पास 20000 नेचुरल नंबर है जिस पर माइनस बैठाते माइनस 20000 उससे भी छोटा हो जाएगा। यानी हर एक नंबर इसको इसके मेंबर को रोक नहीं पा रहा है कम से कम होने से, माइनस एन लेस देन एन डैश, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एस इज नॉट bounded below, capital S is not bounded below, आपका दिया गया set bounded below नहीं है, लेकिन हाँ upper bounded है, और इसका upper bound कितना है, minus 1 है। तो इस set के लिए अगर upper bound की बात करें तो इस set का upper bound अपने पास हो गया minus 1, लेकिन इस set का lower bound exist नहीं कर रहा। ठीक, लिख देना ऐसे, कट कर देना, lower bound exist नहीं कर रहा, ये तुरंत दूसरे करा, दूसरा साफ सुथरा पता है, दूसरे वाले में भी देखो सेम ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, लोअर बाउंड है 1, लेकिन कितना बढ़ेगा अपने को नहीं पता, यानी कोई भी नंबर इसके बढ़ते इसकी बढ़त को रोक नहीं सकता है, तो इस सेट के पास कोई भी अपर बाउंड नहीं, लेकिन लोअर, गौर करें दोनों सेट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, ऊपर वाले में माइनस से मल्टीप्लाई कर तो नीचे मिला, तो अगर ऊपर वाले का अपर बाउंड आया है तो नीचे का अपर बाउंड नहीं आएगा, ऊपर का लोअर बाउंड नहीं आया है तो नीचे का अपर लोअर बाउंड आएगा, जो ऊपर वाले का अपर बाउंड होगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर वही इसका लोअर बाउंड होगा। खैर ये बातें अभी समझ की नहीं है, ये ऐसे बस बोल दिए ना, तुम लोग बस ये नोट कर लो, ये बातें धीमे धीमे आगे, ये बेस्ट होगा ऑफलाइन क्लास अगर मिले तब के लिए, ऑनलाइन क्लास में ये सब कुछ बहुत टाइम टेकन वाला, एमबी की ही दिमाग में चलता रहेगा कि आपकी एमबी ना ज्यादा बन पाए।
दूसरे वाले सेट को उठाओ S2 और S2 के लिए देखना, या S2 हम तुम लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, S2 तुम लोग लिख करके सेंड करोगे होमवर्क। इन पे आते हैं S3 वाले हिस्से पर, ठीक, या S3 वाला हिस्सा भी, ये जो सिंपल सिंपल है ना S3 वाला भी, ये भी फिलहाल के लिए होमवर्क है। इस चौथे को लगाते हैं, चौथे वाले पे देखो। सबसे पहले इस सेट को सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं। S4 चौथा हम कर रहे हैं। S4 इज इक्वल टू कलेक्शन, पहला मेंबर कौन है 1, अगला मेंबर कौन है 1/4, अगला मेंबर 1/4 का होल स्क्वायर यानी 4^2, 4×16, ठीक। अगला 1/4 to the power 3, 4×16 = 64, तो 1/64। अब तू सोचो, ये एक रुपया, ये एक रुपए के चार हिस्से किए गए, फिर एक रुपए का 16 हिस्सा किया गया, फिर एक रुपए का 64 हिस्सा किया गया। चीजें छोटी से भी छोटी होती चली जा रही है। इसका मतलब इस पूरी भीड़ के बीच में जो सबसे बड़ा बना हुआ है वो कौन है, 1। नो मेंबर ऑफ द सेट क्रॉस 1, कोई भी मेंबर सेट का 1 को पार नहीं कर सकता, इसलिए इसका अपर बाउंड कितना होगा 1। और अभी इसका लोअर बाउंड भी तलाश करते हैं। लिखना सॉल्यूशन हियर, यहां पर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू द कैपिटल। सेट का हर मेंबर 1 से छोटा है, सेट का हर मेंबर 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 आपके सेट का अपर बाउंड है। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल S इज बाउंडेड अबव विद अपर बाउंड 1, विद अपर बाउंड 1, और आपके सेट के लिए 1 अपर बाउंड का काम कर रहा है, ठीक। फिर सुनना, सेट के मेंबर पर अगर गौर करो तो ये कुछ ऐसे हैं। रियल नंबर लाइन पर बिहेव देखना, पहले आपको मिला 1, फिर आपको यहां कहीं पर मिला, यहां 0 होता है, फिर आपको यहां मिला 1/16 या 1/4, उससे भी कम, फिर आपको यहां मिला 1/16, फिर आपको यहां मिला 1/64। पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन पावर किसकी बढ़ रही है, 1/4 की। तो 1/4 की पावर बढ़ती जाए, ये और कम से कम होता जाएगा, यानी ये लोग धीमे धीमे चल रहे हैं किसकी तरफ, जीरो की तरफ। लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब कोई जीरो को पार नहीं करेगा, यानी जीरो ने आपके सेट के एलिमेंट को रोक दिया खुद को पार करने से। तो जीरो आपके सेट के लिए किसका काम करेगा, लोअर बाउंड का काम करेगा। वो अलग बात है, जीरो आपके सेट के पास मौजूद नहीं है, फिर भी सेट के लिए जीरो लोअर बाउंड का काम करता है। लिखना इसी बात को। फर्दर सिंस ऑल द मेंबर ऑफ कैपिटल S, all the members of capital S, चूंकि आपके दिए गए सेट S4 के जितने भी मेंबर हैं are positive, ये सारे के सारे मेंबर हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि every x confirmly greater than 0 for all small x belong to the our set S4। हमारे सेट S4 में जितने भी मेंबर मौजूद हैं वो सब के सब जीरो से बड़े बने रहते हैं। इसका मतलब जीरो ने इन लोगों को नीचे गिरने से रोक दिया, और नीचे नहीं जा सकते, तो जीरो आपका लोअर बाउंड होगा। दिस इंप्लाइज दैट जीरो इज लोअर बाउंड ऑफ कैपिटल S। अब सोचो कैपिटल S कैसा था, ऐसा सेट जिसने अपना अपर बाउंड भी रख लिया और ऐसा सेट जिसने अपना लोअर बाउंड भी रख लिया, यानी जिसके पास अपर लोअर दोनों मौजूद हो वो बंधा हुआ आदमी होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल S4 इज लोअर इज बाउंडेड सेट, इज बाउंडेड सेट। आपका दिया गया सेट कैपिटल S4 कंफर्मली बाउंडेड सेट होगा। ये दो होमवर्क है, ये दो तुम लोग करके ग्रुप में अपलोड करोगे इसका सॉल्यूशन, उसके बाद हम बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो इसकी लैंग्वेज हम नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही।